माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह आपकी जोरदार तालियों के बीच पधारेंगे। के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हाईवेज और टनल्स के काम आज जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण चल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कुल बिजली का वर्षों में बने इसका प्रयत्न हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री इन वर्षों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में मैं कह सकता हूं कि काफी क्षमता वृद्धि हमारी हुई है। मुझे याद है विंटर स्पोर्ट्स में मैं गुलमर्ग गया था तो मैंने पहली बार देखी अब वो समय बदल गया है। कश्मीर के अवाम को पूछना चाहता हूं कितने समय पहले नया होटल जम्मू कश्मीर में बना? दो दशक के अंदर होटल के कमरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में और विशेषकर घाटी में होटल के कमरों की संख्या जो थी उससे 3 गुना से ज्यादा होने वाली है, जिससे जो यात्री आएंगे वो अच्छे से यहाँ पर जम्मू कश्मीर का दर्शन भी कर पाएंगे और सुविधा के साथ जन्नत जैसे जम्मू कश्मीर को देख पाएंगे। ये परिवर्तन जो है ये परिवर्तन तब होता है जब परिवर्तन करने का दिल में लगाव हो। अगर आप शासन करने के लिए सत्ता को भोगने के लिए आते हैं तो परिवर्तन नहीं होते। अवाम के सुख दुख के साथ इनकी प्रगति के साथ अगर आप मन से जुड़े हुए होते हो तो परिवर्तन होते हैं। ढेर सारे काम हुए, कितने सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट आए हैं यहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ी सूची है मगर मैं कहना नहीं चाहता। परंतु मैं आज इस बात पर ही अपना थ्रस्ट रखना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे योजनाओं से कितने लाखों नागरिकों को फायदा मिला है। आज तक जम्मू कश्मीर के किसान के बैंक अकाउंट में कभी कोई पैसा जमा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 12,45,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया प्रति साल नरेंद्र मोदी जी एक क्लिक कर दिल्ली से भेज देते हैं। 6,000 रुपया इसकी इनपुट कॉस्ट है। आज इसको ऋण लेने की जरूरत नहीं है। मनोज जी ने जो बताया 5,000 करोड़ की पंचवर्षीय योजना वो तो अलग विषय है, एक्सपांशन की है, परंतु उसको रूटीन कामकाज के लिए भी 6,000 रुपया मिला के शासन वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा है। अगला चुनाव होगा, सरकार जिसकी बनेगी बनेगी, मुझे मालूम है हमने जो शुरुआत की है पंचायती राज की इसको कोई रद्द नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए पंचायत के चुनाव अब वास्तविकता बन चुके हैं। और ये परिवर्तन तब होता है जब जमहूरियत के लिए मन में लगाव, लोकतंत्र के लिए मन में लगाव, और ये लगाव के साथ ही मोदी जी ने परिवर्तन किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा है पथराव की घटनाएं, पाकिस्तान से दिए हुए बंद कॉलों को यहां पूरा हमारा विकास हमारी चहल पहल तहस नहस कर देना, आए दिन बम धमाके गोलियां चलना, इस सारी चीजों पर आज कंट्रोल आया है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, आंकड़े आप सभी को मालूम है, आप तो महसूस भी कर रहे हो। आज स्कूलें चल रही है, कॉलेजें चल रही है, इंडस्ट्री आ रही है, 1,88,00,000 यात्री 2022 में जम्मू कश्मीर में आए हैं। 1,88,00,000 जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1,88,00,000 टूरिस्ट कभी नहीं आए थे और मैं तो कई बार अचंभित हो जाता हूं। मैं 1 साल पहले आया था यहां, कुछ लोगों से मिलने का मैंने प्रयास किया तो टूरिस्ट एसोसिएशन आया तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा तो टैक्सी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मैं कहा क्यों नहीं होता है? तो उन्होंने कहा टैक्सी उसी को मिलती है जिसके पिताजी के पास टैक्सी थी। आज जम्मू कश्मीर में
किसी भी नागरिक को टैक्सी लेनी है तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो टैक्सी ले रहा है। टैक्सी हर नागरिक का अधिकार है और रोजगारी का बहुत बड़ा जरिया है। जब 1,88,00,000 लोग आएंगे तो नई होटलें बनानी पड़ेगी। कोई गरीब व्यक्ति के अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो या कोई बड़ा ऑपरेशन हो, जब पत्र आता है तो बड़ी शांति और सुख का अनुभव होता है। एक प्रजाभिमुख लोकाभिमुख शासन कैसा हो सकता है, इसका बहुत अरसे के बाद यहाँ पर आज जमीन पर इसको उतारने का काम ये 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैंने अब्दुल्ला साहब का निवेदन देखा है, वो कहते थे कि लोकतंत्र भारत लोकतंत्र की जननी है मगर जम्मू कश्मीर में आकर समाप्त हो जाता है। उनकी बात बिल्कुल सही है मगर अब्दुल्ला साहब ये पास था आपके पिता और दादाजी के समय में, मुक्ति के समय में एक पाश था जब लोकतंत्र को सिर्फ 85 लोगों के घेरे में घेर कर बैठे थे। ये 3 परिवार पूरे लोकतंत्र पर एक कब्जा जमा कर बैठे थे। आप पंचायत चुनाव नहीं होने देते थे, पंच सरपंच नहीं बनने देते थे, तहसील पंचायत जिला पंचायत नहीं बनने देते थे। लोकतंत्र तो अब आया है, जम्मू कश्मीर में 35,000 चुने हुए लोग अपने गांव का, अपने तहसील का, अपने जिले का भविष्य खुद निर्णय करते हैं। वो अपना गांव कैसा हो इसका निर्णय करते हैं और यहीं से आने वाले दिनों में एमएलए भी निकलेंगे, एमपी भी निकलेंगे और नए नेता भी निकलेंगे और हो सकता है वो नेता देश की राजनीति के अंदर भी अपना योगदान दे पाए। परंतु कुछ लोगों के पसंद नहीं है, मैं जानता हूं क्यों पसंद नहीं, उनको एक परिवार का शासन चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को जमीन पर उतारकर डेमोक्रेसी को परकोलेट करने का काम किया है, इसकी जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। 8 महीने में मेरा जम्मू कश्मीर का दौरा होता है, काफी लोग मिलते हैं परंतु इस तरह की शिकायत करने का स्वभाव ही नहीं था क्योंकि वो मानते थे कि ऐसे ही रहने वाला है। परंतु प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आमूलचूल परिवर्तन कर जम्मू कश्मीर को भी और विशेषकर घाटी को भी नया जीवन देने का, नए जीवन जीने का अधिकार है। परिणाम है कि आज 500 करोड़ के छोटे छोटे कामों का भूमि पूजन या शिलान्यास हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं एक गरीब के घर में अगर बीमारी आ जाए, कितनी भी छोटी बीमारी हो तो उसकी पूरी बचाई, इसकी पूरी बचत बच्ची की शादी के लिए किया हुआ एफडी समेत टूटकर ऊपर से ऋण लग जाता है, वो ऋण में डूब जाता है पूरा परिवार। मगर आज पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे घाटी हो या जम्मू हो, किसी भी नागरिक को, कितना भी गरीब हो, कितना भी वेल टू डू हो, किसी भी नागरिक को 5,00,000 तक का स्वास्थ्य का खर्चा किसी को नहीं करना है। पूरा खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, देश भर के अंदर ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए लागू होगी परंतु जम्मू कश्मीर के लिए मोदी जी ने इसके साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के साथ सेहत को जोड़ दिया और सेहत को जोड़कर यहाँ पर हर नागरिक को एक कवरेज दिया है। शिक्षा के केंद्र ऐसी हमारी प्राइमरी स्कूलों का एकदम नए तरीके से आधुनिकरण हो रहा है। 20 करोड़, 174 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ ऐसी चीजों का लिए खर्च किए जा रहे हैं जो देखने में बहुत बड़ी नहीं है परंतु जब एक घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचता है तो हर रोज दूर से पानी लाने की मशक्कत से महिला को मुक्ति तो मिलती है, वो बहन को आराम तो मिलता ही है परंतु साथ में वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य के अंदर भी गुणात्मक सुधार होता है। सालों से चली आ रही स्कूलों के अंदर बच्चे बोरियत जैसी महसूस करते हैं, उस वक्त स्कूल को आधुनिक बनाकर
देश के बाकी हिस्सों में जिस प्रकार से आधुनिक शिक्षा बच्चों को मिल रही है, कंप्यूटर का ज्ञान मिल रहा है, नक्शे पर पूरी दुनिया को देख रहे हैं, कंप्यूटर पर पूरी दुनिया को जान रहे हैं, इससे हमारी घाटी के बच्चे महरूम न हो जाए, इसलिए लगभग 100 स्कूलों का आज यहाँ नवीनीकरण होने जा रहा है। रोड यातायात का बड़ा महत्वपूर्ण साधन है और रोड के रिपेयर होने से यातायात तो सरल होता है, परंतु छोटे छोटे किसानों से लेकर दूध का उत्पादन करने वालों तक ढेर सारे लोगों को इतनी सहूलियत होती है अपनी रोजमर्रा के जीवन में, जिसका कोई हिसाब नहीं है।